टेलीफोन सबसे पहले किसके लिए बना? दाएं और बाएं फेफड़े में क्या अंतर है? तरबूजा में पानी कितने मात्रा में होता है? जिराफ के जो गर्दन होते हैं कितने हड्डे होता है? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे का सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। गाइज, हम लोगों और आप लोगों ने पहले से लेकर यानी कि बहुत अधिक दिनों तक पढ़े हुए हैं, जो कि अधिकतर यानी कि 8th 9th क्लास में पढ़ाया जाता है प्रायोगिक टेबल, उसके बाद और क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रायोगिक टेबल में कौन सा अक्षर है जिसके नाम से प्रायोगिक टेबल आज तक नहीं बना है? जैसे कि एच से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस प्रकार का है। जे अक्षर से आप प्रायोगिक टेबल में नहीं खोज सकते हैं कोई भी अक्षर जिससे कि उसका नाम धरा हुआ है। गाइज, हमारे दाएं ओर और बाएं ओर जो फेफड़े हैं, क्या वह पूर्ण रूप से दोनों बराबर ही बराबर हैं? ऐसा बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए बराबर नहीं है यानी कि जो दाएं ओर का फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और बाएं ओर का फेफड़ा होता है छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दिल को जगह देने के लिए जो खून जो सप्लाई करता है उसको जगह देने के लिए बाएं ओर का जो फेफड़ा होता है वह छोटे होता है दाएं ओर की अपेक्षा। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों हम लोगों ने तरबूज यानी कि मस्क मेलन कहा जाता है उसे इंग्लिश में, और देहाती भाषा में कहीं कहीं लालमी भी कहा जाता है, उसको आप खाएंगे। लेकिन आपने कभी उसे अंदाज लगाया है कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है? लेकिन पानी कितने पानी यानी कि वाटर उसमें कितने परसेंट पाया जाता है? वाटर उसमें 90% के करीब वाटर पाए जाते हैं तरबूज यानी कि लालमी में। गाइज, हमारे शरीर का अंदर कौन से भाग है यानी कि जिस पर बाल नहीं उगते हैं? जैसे कि सर होता है, इस पर बाल उगे हुए हैं, या जो हैंड हुआ इस पर बाल उगे हुए हैं। लेकिन कौन सा ऐसा अंग है जिस पर बाल नहीं उगे? हथेली, या हथेली है, इस पर कभी नहीं बाल उगे हुए, आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। पैर का नीचा का जो भाग होता है उसमें भी हथेली पर भाग यानी कि उसमें बाल नहीं उगते, बाकी सभी जगह बाल उगते हैं। क्या आप जब सो रहे हैं उस समय चल सकते हैं? आप लोग कहेंगे यह क्या अजीब सवाल हुआ। जी हाँ, अगर आप सोते हुए नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मछली है वह पूर्ण रूप से सोए हुए है लेकिन वह तैर भी रही है, आप लोग कहेंगे वो दहला रही? नहीं, जिस प्रकार हम लोग तैर चलते हैं उसी प्रकार तैर रही। डॉल्फिन है जो अपने एक आंख को खोलकर सोती है, जो कि एक आंख से देखकर वह तैरती भी है सोते हुए भी। गाइज, आप जैसे कि हम लोग आप लोग कोई मिठाई है, फल है या सेंट है उसको सूंघते हैं, लेकिन हमारे नोज है नाक यानी जिसे कहा जाता है राइट नथुना और दाहिना, जो कि सूंघने का प्रक्रिया क्या दोनों हमको एक ही समान प्रभावित करता है? नहीं, जो सूंघने का प्रक्रिया होता है वह दाहिने साइड का जो नथुना होता है वह अधिक यानी कि अधिक वह मात्रा में बाएं का अपेक्षा सूंघने का प्रक्रिया यानी कि प्रभावित। आप और हम लोग आपस में चर्चा किए होंगे कि जो व्यक्ति टेलीफोन का आविष्कार किया वह व्यक्ति अधिक बार टेलीफोन से अपने घर परिवार से बात किए होंगे, जो कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ऐसा नहीं, वह अपने घर परिवार से एक बार भी बात नहीं किया टेलीफोन से। ऐसा इसलिए कि उनके पत्नी थी उनको जो कि वह नहीं सुन सकती थी, उनका माँ थी वो भी नहीं सुन सकते थे, इसके कारण ग्राहम बेल ने अपने घर परिवार से टेलीफोन से एक बार भी बात नहीं किया। गाइज, जो कि जिराफ को कहता है कि ऊंट से भी बड़े गर्दन जिराफ का होता है, लेकिन कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन किए हुए हैं कि जिराफ का इतने बड़े जो गर्दन होते हैं उनमें कितने प्रकार के यानी कि कितने हड्डियां होते हैं? आप लोग कहेंगे बहुत ढेर सारे, जैसे कि मनुष्य के गर्दन में 7 हड्डियां होते हैं उसी प्रकार में अधिक सारे यानी कि 100-200 करीब होगा। ऐसा नहीं, ऐसा यानी कि 7 हड्डियां ही जिराफ होते हैं, जो कि बड़े बड़े 7 हड्डियां होते हैं, इसलिए उनका गर्दन बड़े होते हैं। गाइज, हमारे यहाँ जैसे कि नियम है व्यक्ति को कि अगर आप सरकारी कार्यक्रम या कोई भी प्राइवेट भी कर रहा है उसको छुट्टी दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर कई देश में प्रत्येक आदमी को यह काम करे या ना करे उनका नियम है, वह साल के 30 दिन के यानी कि साल के 30 दिन वह छुट्टी ले सकते हैं। कोई अगर छुट्टी नहीं दे रहा है तब भी ले सकता है। फ्रांस में है कोई काम करे या ना करे, कोई व्यक्ति कर रहा है इसे आपको साल भर काम करना है तो सरकार से कंप्लेन करके 30 दिन तक वह छुट्टी ले सकता है साल में। गाइस, दुनिया का सबसे छोटा देश किसे कहते हैं? वेटिकन सिटी, करेक्ट।
लेकिन मैं बताता हूँ कि वेटिकन सिटी में कितने जो व्यक्ति है जो सरकार के आने की, जैसे कहा जाता है कि भारत का 140 को जनता है, लेकिन वेटिकन सिटी का कितना जनता है? एक भी जनता नहीं है। वेटिकन सिटी में यानी कि क्षेत्रफल उसका 0.2 वर्ग मिली है, लेकिन वहाँ पर 770 ही लोग रहते हैं, जो कि वेटिकन सिटी का एक भी नहीं है। यानी कि लोग जाते हैं, रहते हैं, घूमते चले जाते हैं, वहाँ का एक भी देश का व्यक्ति नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।